हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज 3 यूनिवर्सिटीज से, और उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, किन यूनिवर्सिटीज से ये वैकेंसीज हैं और किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सभी वैकेंसीज या एडमिशन्स के नोटिफिकेशंस अपडेट्स यूट्यूब से भी पहले वहां पर मिल जाते हैं। तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से, और यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो चुका था 25 अगस्त से। और इसकी जो लास्ट डेट की अगर हम बात करें, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स जो कि है 5 अक्टूबर, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी जो कि है 5 अक्टूबर, सेम डेट है। तो आपको यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करने हैं, साथ ही हार्ड कॉपी भी आपको 5 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पे सबमिट करनी है। 6 तारीख से यानी कि 2 दिन पहले ये फॉर्म स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर इनके 4 डिफरेंट कैंपस हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 10 की। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में है। तो मेन कैंपस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी और फिलोसफी, लॉ, मैनेजमेंट, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, मीडिया एजुकेशन और बहुत सारे, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, अरेबिक, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाती है। और इनके अगर कुपवाड़ा कैंपस की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी स्टडीज, इंग्लिश एंड फिजिक्स, नॉर्थ कैंपस में आपको इंग्लिश, मैनेजमेंट स्टडीज, टीचर एजुकेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर स्टडीज। और इनका जो साउथ कैंपस है वहाँ पर एजुकेशन, इंग्लिश, मैनेजमेंट स्टडीज एंड उर्दू, इतने सब्जेक्ट में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको उसको डाउनलोड कैसे करना है। नोटिफिकेशन को जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, थोड़ा स्क्रोल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टीचिंग जॉब्स पे जाना है। यहाँ पे सेकंड वाला जो नोटिफिकेशन है वो यही नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको अभी दिखाया। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करते ही यहाँ पर आपको ईमेल पासवर्ड आपको बनाना होगा, पासवर्ड 2 बार आप बनाएंगे, देन यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे जो बना हुआ है, देन रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही आपको बाय पोस्ट इसको सेंड करना होगा। तो बाय पोस्ट के लिए आप इसके कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाकर के यहाँ पर आपको इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, पोस्टल एड्रेस आप ये देख रहे हैं, इस पर आपको बाय पोस्ट सेंड करना होगा। अगली जो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर। यहाँ पर भी रेगुलर वैकेंसी चल रही है, आप ये देख सकते हैं कि रेगुलर फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ, ये है इसका एडवर्टीजमेंट। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर, ये आप देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किन के सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जिसमें कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एस्टीमेट 2, अनरिजर्व में 2, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड डेटा साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये इतनी सारी इस सब्जेक्ट में वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और यहाँ पर जो डेट है वो 3 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फिल कैसे करना है, पूरी डिटेल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी नीचे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ करके उसके बाद ही इसमें अप्लाई करें। देन यहाँ पे PhD से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपके 5 पब्लिकेशन वगैरह जो है वो इंटरनेशनल जर्नल, ईच जर्नल के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ जा करके आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर, ये इसका फॉर्म है और ये फॉर्म ऑफलाइन आपको भरना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू ऑफलाइन मोड एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो ये ऑफलाइन प्रोसेस है, आपको ये फॉर्म भर करके बाय पोस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको जो है आपको इस जो है इंस्टीट्यूट को सेंड करना होगा। तो ये फॉर्म है, करीब 5 पेजेस का है, इसको आपको फिल करना होगा। अगला जो वैकेंसी है वो जो आ रही है वो है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
तो अब यहाँ देख सकते हैं कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट लास्ट जो डेट है वो 20th September है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो एकेडमिक प्रोफेशनल एंड रिसर्चर्स इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हैविंग एमटेक एंड पीएचडी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो वैकेंसी है ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर फैकल्टी है यहाँ पे, और इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाउनलोड सीवी फॉर्मेट, आपको सीवी यहाँ से डाउनलोड करनी होगी और फिर उस सीवी को फिल करके आपको दोबारा से यहाँ पे अपलोड करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की ये सीवी डाउनलोड होगी। करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पेजेस की ये सीवी है। जब इसको डाउनलोड करेंगे इसमें आप बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं। जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, और सब कुछ आपको यहाँ पे पूरा ब्लॉक लेटर्स में ही फिल करिएगा। जैसे मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसी तरीके से स्कूल, किस स्कूल, डिसिप्लिन, जो भी है सब आप आराम से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। बस आपको क्लिक करते जाना है, पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। जब आप इसको फिल कर लेंगे इसको आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको वापस इस पेज पे विजिट करना होगा और अपलोड द सीवी पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। बस आपको यहाँ पे इतना ही करना है। तो ये 3 वैकेंसीज आई हुई थी जिसको मुझे आपको बताना था, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है अप्लाई करने में, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके हमसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की वैकेंसीज एडमिशंस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।